और वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फैशन बाय जानवी। तो गाइज़ आप लोग कैसे हैं, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़ वीडियो को बिना स्किप के हुए इन तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो से आइडियाज़ मिल सके कि कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है इस साल शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। उनकी शादी की डेट फिक्स हो गई और कब होने वाली इससे जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए इन तक ज़रूर देखिएगा। द मोस्ट हैंडसम बॉय सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कियारा आडवाणी जो एक दूसरे से बहुत सालों से डेट कर रहे थे, फाइनली वो दोनों जो है शादी करने वाले हैं और उनका मैरिड डेट जो है फिक्स हो गई है। कौन से डेट को है इसे जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए इन तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस उम्मीद करते हूँ कि आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो से आइडियाज़ मिल सकेगा कि बॉलीवुड की हैंडसम बॉय सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी कब होने वाली है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है आलिया भट्ट को भी डेट कर चुके हैं बट उनकी एक्स रह चुकी आलिया भट्ट जो है शादी में आ रही है या फिर नहीं इसे जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो गाइस कियारा आडवाणी जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लड़ी आने वाली है। तो गाइस कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है 2021 में फाइनली शादी करने वाले हैं लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहने की वजह से उनकी शादी जो है 2021 में ना होकर 2021-2 के जनवरी में होने वाली है। तो 2021 में शादी नहीं हो सकती है ड्यू टू कोविड-19। तो गाइस वो लोग डिसाइड कर लिए हैं कि 2022 में करेंगे शादी। तो गाइस आप लोग को इनका डिसीज़न कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें।